हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिहिट स्टोन सेतु के बारे में। तो बच्चों, बिहिट स्टोन सेतु को सही प्रकार से समझने के लिए आपको किरचॉफ के नियमों की जानकारी होना चाहिए। और अगर आपको किरचॉफ के नियमों के बारे में आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ रखा है बेटा, और आप डायरेक्टली बिहिट स्टोन सेतु को समझना चाहते हैं, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि बिहिट स्टोन सेतु को पूर्ण तरीके से समझने के लिए आपको किरचॉफ के नियमों की जानकारी होना अनिवार्य है। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने किरचॉफ के नियमों को डिस्कस किया है बेटा। जिन लोगों ने किरचॉफ के नियमों वाला मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है, पहले उन वीडियो लेक्चर को देखिए। उसको देखने के बाद बेटा, जब इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम का यूज ही बिहिट स्टोन सेतु में किया जाता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। अब मैं देखिए आपकी बिहिट स्टोन सेतु की पूर्ण व्याख्या करूँगा, और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि बिहिट स्टोन सेतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग किस किस उपकरणों में और भी किया जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। चलिए, तो स्टूडेंट, आप जैसे कि सर्किट डायग्राम से देख रहे हैं, मैं समय बचाने के लिए इसमें सर्किट डायग्राम बना करके रखा है। इससे जो रिलेटिव है आपको भी बनाना पड़ेगा। और एक बात मेरी सुने कि ये डायग्राम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अधिकांश बच्चे प्रयोगात्मक परीक्षा होते समय चार्ट पेपर भी इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो जिन लोगों का अगर प्रैक्टिकल में अगर इस डायग्राम को बनाने का इरादा है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखें, और मैं इसकी ए टू जेड जो इसकी पूर्ण एक्सप्लेनेशन है आपको भी बताऊँगा कि इसमें क्या घटना घटित होती है, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टैंड, ठीक है, तो सबसे पहली बात इसकी हम इसकी संरचना की देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सीधी सीधी बात यह है, आप देख रहे होंगे कि इसमें चार प्रतिरोध हैं, पी क्यू आर आर एस। इसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को एक चतुर्भुज ए बी सी डी के रूप में व्यवस्थित करते हैं। आयो प्रश्न में आ रहा होगा, इसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को एक चतुर्भुज ए बी सी डी के रूप में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, अब चतुर्भुज का जो ये विकर्ण है, आप देख रहे हो डायगोनल, ये ए सी, चतुर्भुज के विकर्ण ए सी के बीच में एक सेल लगाते हैं जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, और दूसरा क्या, एक कुंजी है, कुंजी के वन। बात को समझें, चतुर्भुज के विकर्ण ए सी के बीच में क्या होता है, एक सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल ई है और कुंजी के वन है, जबकि चतुर्भुज के विकर्ण बी डी, आप देख रहे होंगे बी ए डी ए, बी डी के बीच में एक धारामापी जी तथा कुंजी के टू जोड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है इसकी, जिससे रिलेटिव जो थ्योरी है, मैं आप इसी में जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही थ्योरी है लिखी है। एक बार फिर ध्यान समझें, इसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को एक चतुर्भुज ए बी सी डी के रूप में व्यवस्थित करते हैं। चतुर्भुज के विकर्ण ए सी, ए सी के मध्य एक सेल ई, ठीक है, या एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई तथा कुंजी के वन जोड़ते हैं, जबकि विकर्ण बी डी के मध्य एक धारामापी जी तथा कुंजी के टू जोड़ते हैं। स्टूडेंट, ठीक है, अब चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, अब चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि कुंज के वन और के टू लगाने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना आए, अर्थात ये शून्य विक्षेप की स्थिति में रहे। स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन ये कैसा रहेगा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए समझा ध्यान से। ठीक है स्टैंड, तो देखिए, जब हम ये मान लीजिए बैटरी का धन टर्मिनल है और ये नेगेटिव, आप जानते हैं कि धारा हमेशा धन टर्मिनल से चलती है, धारा इधर को चलेगी, जब इस संधि पर आएंगे स्टैंड, ठीक है, तो यहाँ पर धारा बढ़ जाएगी, कुछ इस लाइन में धारा आएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए इस धारा का मैं नाम दे रहा हूँ आई वन, क्या आई वन, ठीक है स्टैंड, यानी ए बी भुजा में धारा कितनी है आई वन, और जो यहाँ से चली थी धारा वो कितनी थी बेटा आई थी, ठीक है, और अब यहाँ से दो धारा, एक भुजा ये आपकी चतुर्भुज की कौन सी ए डी, मान लीजिए इसमें जो धारा अब क्या है बेटा आपकी आई टू है, कितनी है बेटा आई टू, मान लीजिए ये धारा आई टू स्टैंड, ठीक है। अब हम बेटा किरचॉफ के नियमों को अब जान देंगे, एक जटिल परिपथ है, तो जटिल परिपथों को हम क्या करते हैं बेटा, एक पॉस मान कर हल करते हैं, अर्थात एक बंद परिपथ मान करके हल करते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम ये जो एक ये पॉस नंबर वन, इसको मैं पॉस लिख रहा हूँ, पॉस एक, ठीक है, पहले हम पॉस एक को हल करेंगे, उसके बाद पॉस दो को हल करेंगे स्टैंड, ठीक है। लेकिन इसका स्टेटमेंट बेटा ये है कि यानी इसका जो प्रिंसिपल है बिहिट स्टोन सेतु का, वो ये है कि इसमें चतुर्भुज की किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, ठीक है,
शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यानी मैं कहने का मतलब ये है कि अगर दो संलग्न भुजाएं पी और क्यू की बात करूं, यानी संलग्न भुजाएं कौन सी ए बी और बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा पी अपॉन क्यू और शेष दो संलग्न भुजाएं क्या है ए डी और डी सी, ये क्या है आपका आर अपॉन एस। ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका सिद्धांत है। एक बात मैं बताऊँ, जब प्रयोगात्मक परीक्षा होते समय अर्थात प्रैक्टिकल होते समय जिन बच्चों ने ये डायग्राम बनाया होगा बेटा, तो उन लोगों से एग्जामिनर ये क्वेश्चन अधिकतर पूछता है कि व्हीटल स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। तो आप लोग बताएंगे व्हीटल स्टोन सेतु का सिद्धांत ये है कि चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस। तो आपका ये आंसर बिल्कुल राइट होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए वो तो रही उसकी बात, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम चलेंगे बंदपोष ए बी डी ए में। अब आप देख रहे हैं इधर से धारा चल रही है आई वन, कौन सी धारा है बेटा, ये आई वन धारा रहेगी आपकी, ठीक है। अब इधर से धारा आ रही है आई टू, मान लीजिए ये धारा क्या आपकी है बेटा, आई टू धारा है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बंदपोष ए बी डी ए में, मतलब हमको यही प्रूफ करना होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बंद पॉज ए बी डी ए में, ए बी डी ए में, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब किरचॉफ का द्वितीय नियम, किससे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, क्या द्वितीय नियम है कि किसी प्रतिपथ के प्रत्येक बंद पॉज के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, ठीक है। तो इस लाइन में यानी इस ए बी में कौन सी धारा आई वन और इसका संगत प्रतिरोध क्या है बेटा पी, याद रखें पी क्यू आर एस प्रतिरोध है। अधिकांश हम प्रतिरोध को आर लिखते हैं, आर है, लेकिन इसमें चार प्रतिरोध है तो इसका नामकरण कोई अलग भी करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस हैं, ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को याद रखें पी क्यू आर एस चारों ही प्रतिरोध हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो आई वन का जो संगत प्रतिरोध है क्या है बेटा पी है, वेरी गुड। I1 और ये P, ठीक है स्टैंड। अब ये धारा की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, ठीक है, और ये डायरेक्शन। अब ये धारा क्या है बेटा I2 और ये करेगी इस डायरेक्शन से, बात को समझे, यानी इस तरीके से समझे। तो आप देख रहे स्टैंड कि ये धारा जो I1 है वो इधर की ओर आ रही है और ये क्या I2, यानी I1 धारा ऊपर से नीचे को आ रही है और I2 नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो आप देख रहे हो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी, अर्थात एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, ध्यान से समझें कि देखिए I1 जो धारा आई I1 इस से होती बिंदु बी से होती इधर धारा में पी हो करके आएगी, जबकि I2 धारा इस कुंजी K2 से होते हुए ऊपर की ओर जाएगी। तो एक धारा आ रही है ऊपर से नीचे की ओर, एक जा रही है नीचे से ऊपर की ओर, ये I1 है और ये क्या बेटा आपका I2 है। आप देख रहे हैं दूसरे क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। और मैंने किरचॉफ के नियम में पढ़ाया बेटा, जब धारा एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं तो उनको क्या करते हैं बेटा नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है, अर्थात ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो ध्यान से समझें, देखिए अभी नेगेटिव साइन आएगा इसलिए क्योंकि धारा एक दूसरे क्या हो गई बेटा, वो विपरीत हो गई, ठीक है। अब नेगेटिव में आएगा क्या, हम बंद पॉज ए बी डी ए में बात कर रहे हैं तो आई टू धारा आएगी और इसका संगत प्रतिरोध क्या है बेटा आपका आर है। तो देखिए आई टू और संगत प्रतिरोध क्या है बेटा आपका आर, ठीक है स्टैंड, बराबर क्या इस पॉज में कार्य करने वाला विद्युत विभाग बल। अब विद्युत विभाग बल तो इसके अंदर एक भी है नहीं, ठीक है स्टैंड, तो वह क्या रहेगा फिर जीरो रहेगा। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, मैं इसी लाइन को आगे लिख देता हूं, ध्यान समझो। देखो आई वन पी अब ये देखिए माइनस का है बराबर से हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आई टू आर, इसको बेटा हम समीकरण नंबर एक कहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करेंगे हम बंद पोस बी सी डी बी में, ध्यान समझते हो बंद पॉज बी सी डी बी में, ठीक है। अब ये समझने के लिए स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इन लाइनों में अर्थात ये जो आपकी शाखाएं दिख रही हैं बी सी और ए डी, इनमें धारा क्या हुई, प्रतिरोध तो मुझे पता है इसका प्रतिरोध क्यू है, इसका प्रतिरोध एस है, लेकिन इसमें धारा की धारा क्या है, धारा का आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो इस व्हीटल स्टोन सेतु का यानी प्रतिरोधक का संयोजन इस प्रकार किया जाता है बेटा कि जो धारा भुजा ए बी में बहेगी
जो धारा बुझा एबी में, और एबी में कौन सी धारा बुझा, कौन सी धारा आई वन, और वही धारा क्या कौन सी धारा बुझा भाई बेटा आई टू में, सॉरी बी सी में बहेगी। अर्थात मेरा कहने तात्पर्य ये है कि सेतु के संतुलन की अवस्था में जो धारा बुझा एबी में बहेगी वही धारा बुझा बी सी में बहेगी, अर्थात क्या बहेगी आई वन, क्या बहेगी बेटा आई वन, ठीक है। अच्छा, और जो धारा बुझा ए डी में बहेगी वही धारा बुझा किस में बहेगी बेटा डी सी में बहेगी, अर्थात आई टू बहेगी। लेकिन ये कौन से पोज की बात है बेटा, इस वाले पोज की, बंद पोज बी सी डी बी में। अब आई वन का संगत प्रतिरोध क्या है, क्यू है, और आई टू का संगत प्रतिरोध क्या है बेटा एस है, ठीक है। इसमें धारा की डायरेक्शन क्यों से रहेगी एस है, नहीं धारा ऐसे करके घूम के आएगी, और ये जो I2 इधर से जा रही है इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा इस टाइप से रहेगी। आप देख रहे हो कि एक दूसरे के फिर से विपरीत होने जा रही है इस संधि पर, ठीक है, क्योंकि I1 आएगी इधर से और I2 आएगी इधर से, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे स्टैंड, ठीक है। चलिए देखते हैं, बंद पॉज ठीक है, चाहे इसको लगाओ मत लगाओ कोई बात नहीं, बंद पॉज बी सी डी बी में, बी सी डी बी में वही कृष्ण आपका द्वितीय नियम, ठीक है। आई वन यानी धारा और उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल, तो धारा आई वन और संगत प्रतिरोध क्या है बेटा क्यू, आई वन और संगत प्रतिरोध आपका क्यू। अच्छा, अब देखिए आई टू संगत प्रतिरोध का एस, क्योंकि ये इधर से घूमेगी ये इधर से घूमेगी, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पर हो जाएंगी, तो फिर से माइनस का साइन आएगा, और I2 और संगत प्रतिरोध कितना है इसका S बराबर जीरो, क्योंकि इसमें भी कोई भी एक सेल नहीं लगा हुआ है जिसका विद्युत भार अभी कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई विद्युत सेल लगा हुआ होता, उसका कोई विद्युत भार होता, तो बेटा यहाँ पे इसको लिखा जाता है किरचॉफ के द्वितीय नियम से, लेकिन सेल नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या है जीरो है डिस्टेंस, ठीक है। चलिए मैं इसी लाइन को थोड़ा आगे ड्रॉ कर रहा हूँ कि आई वन क्यू बराबर, अब ये माइनस का आएगा प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा ये आई टू एस, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका दो हो जाएगा, ठीक है स्टैन। अब समीकरण एक को समीकरण दो से भाग कर दो, चलिए भाग करते हैं, समीकरण एक को समीकरण दो से भाग करते हैं, भाग देखिए ये हो जाएगा आई वन पी अपॉन आई वन क्यू बराबर ये रहेगा आई टू आर और अपर में रहेगा आई टू एस। देखिए आई वन से आई वन कट जाएगा, आई टू कट जाएगा, तो आई वन से आई कटने के बाद बेटा आपके पास बचेगा, मैं आगे लिख रहा हूँ इसको, पी अपॉन क्यू बराबर आई टू से आई टू कैंसिल होने के बाद आर अपॉन एस। अब आप देखिए स्टैंड कि जो इसका स्टेटमेंट था, जो इसका प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, देखो वही चीज़ यहाँ पर आ चुकी है, आई आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। तो इस प्रकार से बीहिट स्टोन सेतु में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है डिस्टेंट, लेकिन इसको समझने के लिए बेटा आपको किरचॉफ के नियमों की जानकारी होना चाहिए बेटा, क्योंकि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में जो मैंने किरचॉफ के नियम पढ़ाए डिस्टेंट वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और कभी कभी होता क्या डिस्टेंट कि किरचॉफ के नियम को भी पूछा जाता है और साथ में बीहिट स्टोन सेतु को भी पूछा जाता है, इसलिए दोनों टॉपिकों की ध्यान से तैयारी करना, अच्छे तरीके से तैयारी करना, क्योंकि परीक्षा में कोई ना कोई इससे रिलेटेड भी एग्जाम कोई आर्टिकल्स या न्यूमेरिकल अवश्य आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ स्टैंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बीहिट स्टोन सेतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि जब तक आपको इसके बारे में यूज के बारे में पता नहीं होगा तो हमको पढ़ने का क्या फ़ायदा, ठीक है स्टैंड। तो इसका जो रिलेशन है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग होता है बेटा प्रतिरोध बॉक्स में, और नंबर दो मीटर सेतु में। अब प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है स्टैंड, और प्रतिरोध बॉक्स और मीटर सेतु क्या होता है स्टैंड, तो इस साल यानी कोरोना की वजह से जो 30% सिलेबस अपना कम हुआ है एपी बोर्ड ने, तो उसमें उसको निकाल दिया गया, लेकिन जैसे भी टाइम समय मिलेगा मैं उसका वीडियो आपको बताऊंगा कि प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है मीटर सेतु क्या होता है।
बस आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि व्हीट स्टोन सेतु का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, मीटर सेतु में किया जाता है, और नंबर दो प्रतिरोध बॉक्स में किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है, जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स बना लीजिए, और एक बात याद रखें बार से फिर से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को और क्रिचॉप के नियम को आप अवश्य तैयारी करें, इससे कोई ना कोई टॉपिक आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।